हेलो साथियों, स्वागत है विनर एजुकेशन में। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने बजट का इतिहास जान लिया है। बजट कब कब प्रस्तुत किए गए, किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए, उसमें क्या संशोधन हुए, यह सब हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे 2020 का जो बजट प्रस्तुत हुआ है, बीते 1 फरवरी को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा, उसके बारे में जानेंगे। तो उस बजट के 6 पिलर बताए जा रहे हैं, यानी 6 प्रमुख बिंदु बताए जा रहे हैं, जिनमें पहला स्थान आता है हेल्थ एंड वेलबींग का, यानी स्वास्थ्य और कल्याण संबंधी जो योजनाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे उसके लिए बजट एलोकेट किया गया है। दूसरा नंबर आता है फिजिकल एंड फाइनेंशियल एंड कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पे हमारी भौतिक और वित्तीय और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए, ग्रो करने के लिए भी उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बजट एलोकेट किया गया है इसके लिए। थर्ड नंबर पे आता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर इंस्पायरेबल इंडिया, यानी कि महत्वाकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट होनी है इंडिया में उसको कैसे सरल बनाया जाए, उसको देखते हुए यहाँ पे बजट में उसके लिए व्यवस्था की गई है। फोर्थ नंबर पे आता है ह्यूमन कैपिटल को ग्रो करना, यानी जो यहाँ पे हमारे भारतीय नागरिक हैं उनकी, यानी मानव पूंजी को मजबूत करना किस प्रकार किया जाए, वह फोर्थ पॉइंट में डिस्कस किया गया है, इसके लिए बजट यहाँ पे एलोकेट किया गया है। 5 पॉइंट आता है इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इनोवेशन और रिसर्च और डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए इसके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं तथा इसके लिए बजट एलोकेट किया गया है, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 6 में मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था की गई है कि किस प्रकार मिनिमम गवर्नमेंट हो और मैक्सिमम गवर्नेंस स्थापित किया जाए, सो इसके लिए योजनाएं लॉन्च की गई हैं। तो ये 6 पिलर बताए जा रहे हैं हमारे भारतीय बजट के 2020 के, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और भी बातें जानते हैं, प्रमुख बिंदुओं को डिस्कस करते हैं, देखते हैं। दोस्तों, जो 2020-21 का बजट रहा फरवरी मंथ में, यह कुल मिलाकर 30,42,230 करोड़ रुपए का रहा, जो कि 2019-20 के मुकाबले लगभग 12.7% अधिक है, यानी 2019 में 2020 का जो बजट था उससे अधिक है 12.7% 2020 और 21 का बजट। और यहाँ पे बात करें प्राप्तियाँ, तो इसके लिए निवेश से अधिक अनुमानित राजस्व के कारण प्राप्तियों यानी शुद्ध उधारियों में 16.3% बढ़कर यह कुल 22,45,893 करोड़ होने का अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल यहाँ पे प्रमुख बिंदु है, 2020-21 का टोटल बजट रहा 30,42,230 करोड़, जो कि 2019 के मुकाबले 12.7% अधिक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, केंद्रीय बजट की थीम क्या रही। 2020-21 में जो बजट प्रस्तुत हुआ उसकी थीम है ईज ऑफ लिविंग। तो ईज ऑफ लिविंग 2020-21 बजट की थीम है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है 2020-21 में कुल व्यय कितना प्रस्तुत किया गया, तो यह यानी कुल बजट कितना प्रस्तुत किया गया है, तो अगेन यह जो है 30,42,230 करोड़ रुपये अनुमानित किया गया है, टोटल बजट इतने का प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 21-22 के आम बजट में शिक्षा मंत्रालय को 93,224.31 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो कि चालू वित्तीय वर्ष यानी पिछले वर्ष के लगभग समान ही है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है 8,100 करोड़ रुपये अधिक देखने को मिलता है इस वर्ष। सो ये जो है डेवलपमेंट हुई है शिक्षा के क्षेत्र में, अधिक बजट एलोकेट किया गया है इस वर्ष। अब आइए एमसीक्यूज के फॉर्म में क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, आम बजट 2020-21 किसने पेश किया। तो 2020-21 का आम बजट जो प्रस्तुत किया गया वह हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है, निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत किया गया। निर्मला सीतारमण जो है यह 2019 30 मई 2019 को हमारी
फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में शपथ ग्रहण करती हैं। और यह जो है इसके पहले यानी 2017 से 19 तक यह रक्षा मंत्री रह चुकी हैं, यानी यह पहले रक्षा मंत्री थी और अब इनको मिल गया है वित्त मंत्रालय। और यह जो हमारी निर्मला सीतारमण है, यह पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। यह तमिलनाडु से आती हैं, पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री प्रथम है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय कंपनियों द्वारा भरे जाने वाले डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को 15% से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो यहाँ पे डीडीटी को कितना कर दिया गया है घटाकर? ऑप्शन है नील कर दिया गया है, शून्य कर दिया गया है, या फिर 5%, या फिर 8%, या फिर 10%। तो डिविडेंड फंड को जो है टैक्स को घटाकर नील कर दिया गया है, यानी इसे खत्म कर दिया गया है। ये डिविडेंड फंड होता क्या है? तो होता यह था कि जैसे आपने शेयर परचेज कर लिया है तो कंपनी को लॉस हो या फायदा हो, कुछ भी हो, आपने शेयर परचेज किया है तो उसके एवज में यह 15% रिटर्न जो है आपको देती थी, उस शेयर को रखने के लिए 15% देती थी। तो इसकी बाध्यता आप कंपनियों से हटा ली गई है, इसे खत्म कर दिया गया है, इसे 0% कर दिया गया है। तो ये है मामला जो है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का, जो कि अब खत्म कर दिया गया है। इसमें जो शेयर परचेजर होते हैं उनका एक तरह से जो है उनका मुनाफा कम कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2020 में किस वर्ष तक किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके 2020, 2021, 22 या फिर 25। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यानी 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का जो है लक्ष्य दिया गया है बजट 2020 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया जो बजट है इसमें शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किसकी स्थापना करने की घोषणा की गई है? स्टडी इंडिया कार्यक्रम, नेशनल स्कॉलरशिप फाउंडेशन, या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, या फिर ऑल इंडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसके लिए घोषणा की गई है स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम की। ऑप्शन नंबर ए सही है, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2020 का जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें स्टडी इन इंडिया को बढ़ावा देने की बात कही गई है। स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम कब से चालू किया गया? तो यह जो है 18 अप्रैल 2018 से स्टार्ट किया गया स्टडी इन इंडिया, यानी कि विदेशों से आने वाले जो भी विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनको बेहतर जो है शिक्षा के लिए यह कार्यक्रम चालू किया गया है। इसके लिए वेब पोर्टल 18 अप्रैल 2018 को लॉन्च किया गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम 2018 में लॉन्च हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम बजट 2020-21 में नई शिक्षा नीति के अनुसार मार्च 2021 तक कितने उच्च शिक्षण संस्थानों का जो है काम पूर्ण हो जाएगा? यानी उच्च शिक्षण संस्थान जिसमें IIT हो गए, मेडिकल कॉलेज हो गए, यूनिवर्सिटी हो गई, ये सब आते हैं उच्च शिक्षण संस्थान में। तो कितने कॉलेजों की स्थापना करने की बात कही गई है यहाँ पे? तो यहाँ पे 150 नए उच्च शिक्षण संस्थान खोलने की बात कही गई है 2020 और 21 के बजट में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 150 नए उच्च शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बजट की घोषणा के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? तो यहाँ पे भारत की अर्थव्यवस्था किस नंबर पे आती है? थर्ड नंबर पे आती है, फोर्थ पे, या फिर फिफ्थ पे, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यानी फिफ्थ नंबर पे आती है। एक्चुअली जो भारत की अर्थव्यवस्था है वह लगभग हमारी यूके से मिलती जुलती रहती है, इनकी दोनों की रैंकिंग ऊपर नीचे होती रहती है। कभी कभी आपको सिक्स्थ रैंक पे इंडिया दिखाई देगा, कभी कभी फिफ्थ रैंक पे इंडिया दिखाई देगा। फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है। सो पहली रैंक है वर्ल्ड में, सबसे पहली रैंक है यूएसए की पहली रैंक है। उसके बाद आता है चाइना की जो है दूसरी रैंक है, चाइना दूसरी रैंक रखता है। तीसरे नंबर पे आता है जापान थर्ड नंबर पे आता है, उसके बाद जर्मनी आता है, उसके बाद यूके आता है, फिर इंडिया आता है सिक्स्थ नंबर पे। इंडिया और यूके के बीच जो है इनकी रैंकिंग में सुधार होता रहता है, तो कभी इंडिया फाइव पे रहता है, कभी
UK 5 पे रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिलहाल इंडिया की जो इकोनॉमी है वह 5वें नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बजट 2021 में PPP मॉडल पर कितने स्मार्ट सिटी विकसित करने की घोषणा की गई है। तो PPP मॉडल पर नए स्मार्ट सिटी कितने और बनाने जाने की घोषणा की गई है इस बजट में। तो यहाँ पे ऑप्शन है 5 या फिर 6 या फिर 7 या फिर 8। तो दोस्तों जो स्मार्ट सिटी और नए बनाने की घोषणा की गई है इस बजट में वह है ऑप्शन नंबर यानी 5 नए स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही गई है। यहाँ पे स्मार्ट सिटीज़ के लिए कितना जो बजट एलोकेट किया गया है तो वह 6,450 करोड़ रुपए इसके लिए एलोकेट किए गए हैं। और यह सेम बजट रहा है 2019 में, यानी 2019 में भी स्मार्ट सिटीज़ के लिए इतना ही बजट एलोकेट किया गया था। तो 5 नई स्मार्ट सिटीज़ बनाने की बात की गई है PPP मॉडल के तहत 2020-21 के बजट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्यूबरक्लोसिस के खिलाफ अभियान के लिए किस मिशन की शुरुआत करने की घोषणा की गई है। TB भगाओ देश बचाओ, TB हारेगा देश जीतेगा, TB का खात्मा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस स्कीम की शुरुआत की गई है TB को ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी TB हारेगा तो देश जीतेगा, इस थीम के साथ एक स्कीम लॉन्च की गई है जिसके तहत भारत का यह लक्ष्य है कि 2025 तक भारत को TB से मुक्त कर दिया जाए, यानी ट्यूबरक्लोसिस से मुक्त कर दिया जाए। 2025 तक लक्ष्य है, TB हारेगा तो देश जीतेगा, इसे ये जो है इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हर घर तक पाइप से पानी पहुंचाने के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है। 2.6 लाख करोड़ या फिर सी 3.6 लाख करोड़ या फिर डी 4.6 लाख करोड़। तो घर घर तक पाइप से पानी पहुंचाने के लिए यहाँ पे एलोकेट किए गए हैं 10 लाख, यानी कि 3.6 लाख करोड़ पैसे जो है आवंटित किए गए हैं, 3.6 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं हर घर तक पाइप से पानी पहुंचाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। 10 लाख से अधिक जो भी सिटीज़ हैं, 10 लाख से अधिक आबादी वाले जो भी सिटीज़ हैं उनमें यह योजना 2020 में ही लागू कर दी जाएगी 2020 में ही लागू कर दी जाएगी 10 लाख से अधिक जनसंख्या रखने वाले सिटीज़ में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बजट 2020 में हेल्थ सेक्टर के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है। स्टार लगा लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2020 के बजट में हेल्थ सेक्टर के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है, 69,000 करोड़, 68,000 करोड़ या फिर 55,000 करोड़ या फिर 50,000 करोड़। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 69,000 करोड़। 69,000 करोड़ रुपए जो है आवंटित किए गए हैं बजट 2020 में हेल्थ सेक्टर के लिए, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन है, युवाओं को तटवर्ती इलाकों में रोजगार देने के लिए कितने सागर मित्र केंद्र बनाए जाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन है 5,626 या फिर 3,077 या फिर 4,562 या फिर 5,000 नए केंद्र। तो सागर मित्र केंद्र होते क्या हैं। सागर मित्र केंद्र जो है यह तटवर्ती इलाकों पर बनाए जाएंगे। इसके तहत जो 2022 तक लक्ष्य रखा गया है, 2022 तक लक्ष्य रखा गया है कि मछली उत्पादन को 200 लाख टन के ऊपर पहुंचाया जाए, मछली उत्पादन को 200 लाख टन के ऊपर पहुंचाया जाए। इसके तहत सागर मित्र केंद्रों की स्थापना की जाएगी और 3,077 केंद्र स्थापित करने की बात कही गई है इस बजट में। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सागर मित्र केंद्र क्या होते हैं। तो सागर मित्र केंद्र हैं कि 2022 तक मछली उत्पादन को 2 लाख टन तक पहुंचाने के लिए सागर मित्र केंद्र बनाए जाएंगे। इसके तहत बहुत सारी योजनाएं भी लॉन्च की गई हैं। इसके तहत किसानों की आय दुगनी करने की भी बात कही गई है और बहुत सारी योजनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2020-21 के अनुसार देश में मिल्क प्रोसेसिंग क्षमता को कितना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। तो 100 मिलियन टन या फिर 148 मिलियन टन, 108 मिलियन टन या फिर 110 मिलियन टन। तो इसके तहत जो बजट है, बजट 2020-21 के अनुसार देश में दुग्ध उत्पादन की क्षमता को, प्रोसेसिंग क्षमता को 108 मिलियन टन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।
108 मिलियन टन बढ़ाया जाएगा दुग्ध उत्पादन की प्रोसेसिंग को। ऑप्शन नंबर सी सही है, 108 मिलियन टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2020-21 के अनुसार स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रावधान किया गया है, तो स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या प्रावधान किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 3,000 रुपये। 3,000 रुपये जो है प्रावधान किया गया है स्किल डेवलपमेंट के लिए, तो इसका राइट आंसर होगा स्किल डेवलपमेंट के लिए 3,000 रुपये प्रावधान किया गया है। स्किल डेवलपमेंट के तहत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो स्टार्ट हुई है वह कब हुई थी? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्टार्ट हुई थी 2015 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, बजट की घोषणा के अनुसार 2014 और 19 के तहत भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कितना रहा, यानी 2014 से 19 के मध्य विदेशी निवेश कितना रहा? 184 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 284 अमेरिकी बिलियन डॉलर, या फिर 384 अमेरिकी बिलियन डॉलर, या फिर 484 बिलियन अमेरिकी डॉलर। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 284 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बजट 2020 की घोषणा में दूध, मांस तथा मछली सहित खराब होने वाली सभी वस्तुओं के लिए क्या स्पेशल किया गया है? तो खराब होने से बचाने के लिए इनके लिए कौन सी व्यवस्था की गई है? किसान रेल की शुरुआत की गई है, कोल्ड स्टोरेज की शुरुआत की गई है, स्पेशल मंडी की शुरुआत की गई है, या फिर इनमें से कोई व्यवस्था नहीं की गई है? तो फ्रेंड्स, जो किसानों के जैसे दूध हो गए, मांस हो गए, टमाटर हो गए, या कि जो पके फल होते हैं वो जल्द ही ख़राब हो जाते हैं, जिसको देखते हुए किसान रेल की शुरुआत की गई है। किसान रेल की शुरुआत की गई है, और किसान रेल जो पहली चलाई गई है किसान रेल, वह 7 अगस्त 2019 को पहली किसान रेल चलाई गई थी। यह कहां से कहां तक? तो देवलाली से दानापुर बिहार तक, महाराष्ट्र से बिहार के लिए चलाई गई थी पहली किसान रेल 7 अगस्त 2019 को। दोस्तों, तो किसान रेल की शुरुआत की गई है दूध, मांस, मछली तथा अन्य खराब होने वाली वस्तुओं को बचाने के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किसान रेल की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट में कृषि सिंचाई के लिए कुल कितना बजट आवंटित किया गया है? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कृषि सिंचाई के लिए कितना बजट जो है यहाँ पे एलोकेट किया गया है? 3.2 लाख करोड़, 2.2 लाख करोड़, या फिर 1.2 लाख करोड़, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1.2 लाख करोड़ रुपए सिंचाई व्यवस्था के लिए आवंटित किए गए हैं। इसके तहत विभिन्न टाइप से नलकूपों की व्यवस्था की जाएगी, सोलर प्लांट से जो है चलित नलकूपों की व्यवस्था की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 लाख से 7.5 लाख, यानी 7.5 लाख तक की आय पर कितना टैक्स निर्धारित किया गया है? तो इसकी टैक्स में जो है कितना निर्धारित किया गया है, यहाँ पे 10% टैक्स लगेगा यदि आपकी आय है 7 लाख से लेकर 7.5 लाख तक, तो यहाँ पे 10% टैक्स लगेगा। फ्रेंड्स, जो टैक्स की रूपरेखा है वह 6 भागों में वितरित है, यानी 2.5 लाख तक जो आपका आय है तो उस पर फ्री टैक्स रहेगा, टैक्स फ्री रहेगी। 2.5 लाख, यानी 5 लाख से 7 लाख के बीच, यानी 7.5 लाख के बीच आप पर लगेगा 10% टैक्स। 5 लाख से 7.5 लाख तक 10% टैक्स लगेगा। 7.5 लाख से 10 लाख के बीच जो है 15% टैक्स लगेगा, और 10 लाख से लेकर 12.5 लाख के बीच आप पर टैक्स लगेगा 20% टैक्स लगेगा। यदि आपकी इनकम 12 लाख से 15 लाख के बीच है तो 25% आप पर लगेगा टैक्स, और यदि आपकी 15 लाख से भी अधिक इनकम है तो आप पर 30% टैक्स लगेगा, ये निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी 10%। कितने धनराशि को टैक्स फ्री किया गया है? तो 2.5 लाख तक की धनराशि को टैक्स फ्री बताया गया है। वहीं विशिष्ट व्यक्तियों के लिए यह 5 लाख तक की सीमा रखी गई है, जो 70-80 वर्ष की एज के होते हैं उनके लिए।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2020 में राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो यहाँ पे 3.8% या 6.5% या फिर 2.1%। तो 2020 में जो राजकोषीय घाटा है उसका अनुमान लगाया गया है कि यह जो है लगभग 3.8% रहने वाला है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैंकों में पैसा जमा कराने वालों के लिए इंश्योरेंस कवर 1,00,000 रुपए से बढ़ाकर कितने 1,00,000 रुपए कर दिया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे हमें बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी, अभी मैं बताऊँगा। तो इसे 1,00,000 से 2,00,000 कर दिया गया है, 3,00,000 कर दिया गया है या फिर 4,00,000 या फिर 5,00,000 कर दिया गया है? तो राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 5,00,000 रुपए कर दिया गया है। 1,00,000 रुपए से बढ़ाकर यह 5,00,000 रुपए कर दिया गया है इंश्योरेंस कवर बैंकों के लिए। दोस्तों जो हमारा RBI है वह बैंकों में पैसा जमा करने पर आपको एक इंश्योरेंस प्रदान करता है, जिसके तहत आपका कितना भी धन, यदि आपका धन 5,00,000 रुपए है या इससे अधिक है और बैंक जिसमें आपका धन जमा है वह बैंक नष्ट हो जाता है यानी दिवालिया घोषित हो जाता है, तो इस एक्ट के तहत RBI आपको 5,00,000 रुपए वापस करेगी। यानी आपका कितना भी धन जमा हो यदि बैंक दिवालिया घोषित हो जाता है तो 5,00,000 रुपए ही मिलेंगे। पहले यह राशि 1,00,000 रुपए थी लेकिन अब बढ़ाकर इसे 5,00,000 रुपए कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन से ये जानकारी मिलती है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवगठित संघ राज्यों के लिए 2020-21 में कितने रुपए आवंटित किए गए? नवगठित संघ राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जा रही है, जिसमें हमारा लद्दाख, जम्मू कश्मीर ये सब आते हैं, तो इनकी बात की जा रही है। 10,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, 20,000 करोड़ या फिर 30,000 करोड़ या फिर 40,000 करोड़। तो नए संघ राज्यों के लिए यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है 30,757 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये संघ नए जो राज्य हैं इनमें हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख और जम्मू कश्मीर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बजट 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर ऑप्शन है आपके 2,500 करोड़ रुपये, 3,300 करोड़ रुपए या फिर 1,025 करोड़ रुपए या फिर 2,300 करोड़ रुपए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 2,500 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बजट की घोषणा के अनुसार देश में कितने भारतीय धरोहर संस्थान स्थापित किए जाएंगे? तो धरोहर यानी हेरिटेज जो हैं, हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए कितने नए संस्थान बनाए जाएंगे? ऑप्शन ए है 5, 4 या फिर 3 या फिर 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट की घोषणा के अनुसार देश में कितने भारतीय धरोहर संरक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी? आपके ऑप्शन है 5, 4, 3, 2 या फिर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बजट की घोषणा के अनुसार देश में कितने भारतीय धरोहरों संस्थानों की स्थापना की जाएगी? यानी जो देश में भारतीय धरोहर हैं उनके संरक्षण के लिए यानी हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए कितने नए संस्थान बनाने की घोषणा की गई है? तो इसके लिए 5 नए संस्थान बनाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए 5 नए संस्थान बनाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बजट में भारत ने नेट परियोजनाओं के लिए कुल कितना बजट प्रस्तावित किया है? 4,000 करोड़, 5,000 करोड़, 6,000 या फिर 7,000 करोड़। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कि इसके लिए 6,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, नेट परियोजना के लिए 6,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2020-21 की थीम क्या है? तो इसे हमने सबसे ऊपर ही डिस्कस किया था, तो ईज ऑफ लिविंग तो इसकी थीम है 2020-21 की बजट की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार कब तक क्षय रोग को खत्म करेगी, यानी TB को कब तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है सरकार के द्वारा? आपके ऑप्शन है 2030, 2027, 2025 या फिर 2022।
तो टीवी यानी क्षय रोग को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। ऑप्शन नंबर सी सही है, 2025 तक टीवी मुक्त हो जाएगा भारत, यह लक्ष्य रखा गया है इस बजट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इस बजट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझ लेते हैं। जैसे कि चैरिटेबल संस्थाओं को इनकम टैक्स से पूरी तरह छूट दी गई है, जो भी चैरिटी के नाम पर संस्थाएं चलती हैं उनको पूरी तरह इनकम टैक्स से छूट दी गई है। निवेशकों को राहत प्रदान करने के लिए लाभांश वितरण टैक्स को हटाने का प्रस्ताव रखा गया है, यानी लाभांश वही जो 15% लगता था, लाभ का जो 15% दिया जाता था कंपनी के द्वारा शेयरधारकों को, इसे खत्म कर दिया गया है, यानी कंपनी को एक तरह से लाभ पहुंचाया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट है, 2019-20 में कुल खर्च 26.99 लाख करोड़ रुपये था, और इस वर्ष जो है यह कितने रखा गया है, तो यह 30 लाख करोड़ रुपए लगभग रखा गया है। नेक्स्ट है, लद्दाख संघ राज्य के लिए यहाँ पे 59,589 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लद्दाख के रीजन के लिए विकास के लिए यहाँ पे 59,000 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। नेक्स्ट है, स्वच्छ हवा प्रदूषण से बचने के लिए कई उपाय किए गए हैं, जहाँ पे 4,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, यानी स्वच्छ हवा और प्रदूषण के लिए 4,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं इसकी व्यवस्था के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट में क्वेश्चन है हमारे, आज़ाद भारत का सबसे पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? आज़ादी के बाद यानी 15 अगस्त 1947 के बाद जो भारत का पहला बजट है वह किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो यह प्रस्तुत किया गया था आर के षणमुखम चेट्टी के द्वारा। षणमुखम चेट्टी के द्वारा जो है बजट प्रस्तुत किया गया था, स्वतंत्र भारत का पहला बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वित्त मंत्री ने सरकारी संपत्ति के विनिवेश की बात पहली बार बजट में की थी? यानी कि जो विनिवेश होता है, यानी सरकारी चीज़ों को बेच दिया जाता है प्राइवेट हाथों में, तो यह पहली बार किसने प्रस्तुत किया था अपने बजट में? तो ऐसा करने वाले हैं यशवंत सिन्हा जो है यह अपने बजट में लेके आते हैं विनिवेश की प्रकृति, जो कि 1998 से 2004 तक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वित्त मंत्री ने IMF से ट्रस्ट फंड लोन लेने की बात बजट भाषण में पहली बार कही थी? तो IMF से लोन लेने की जो बात है सबसे पहले किस वित्त मंत्री ने अपने बजट में कही थी? तो यह है आर के वेंकटेश रमन ने सबसे पहले कहा कि हम IMF से लोन लेंगे, अपने बजट में इन्होंने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट शाम को पेश करने की प्रथा को खत्म करते हुए दोपहर में बजट प्रस्तुत करना जो है आरंभ किया? यह प्रक्रिया जो है अटल बिहारी के कार्यकाल में शुरू हुई थी, उस समय जो है यशवंत सिन्हा हुआ करते थे, जिन्होंने यशवंत सिन्हा ने ही विनिवेश की प्रकृति जो है अपने बजट में प्रस्तुत करी थी। तो यशवंत सिन्हा के कार्यकाल से बजट जो है यह दोपहर 11 बजे यानी सुबह 11 बजे प्रस्तुत किया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1991 से लेकर अब तक कुल कितनी बार बजट प्रस्तुत हो चुका है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अब तक कुल कितनी बार बजट प्रस्तुत किया गया है? तो 1947 से लेकर अभी तक यानी 2020 तक कुल 85 बार बजट प्रस्तुत किया जा चुका है, 85 बार बजट प्रस्तुत किया गया है। इसमें 67 बार यानी 67 टाइम जो है सामान्य बजट था, और 14 समय जो है अंतरिम बजट प्रस्तुत किए गए, और 4 बार एक विशेष बजट प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसका भाषण सबसे लंबा रहा, यानी बजट सत्र के दौरान, बजट प्रस्तुत करने के दौरान सबसे लंबा जो भाषण रहा वह किस वित्त मंत्री का रहा? तो फिलहाल 1991 में अभी तक का पिछले रिकॉर्ड में 1991 में मनमोहन सिंह द्वारा सबसे लंबा जो है भाषण दिया गया था वित्त को लेकर, लेकिन इस वर्ष 2020 में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा यह रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। इन्होंने लगातार दो घंटे 41 मिनट तक बजट सत्र के दौरान भाषण दिया, और यह 2020 का था। 2019 में भी लगभग इन्होंने 2 घंटे और 17 मिनट तक भाषण दिया था वित्त को लेकर।
तो इन्होंने सबसे लंबा भाषण देने का रिकॉर्ड बनाया है निर्मला सीतारमण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे छोटा भाषण किस वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया गया है अब तक? तो सबसे छोटा भाषण प्रस्तुत किया गया है वाई बी चौहान के द्वारा। वाई बी चौहान जो है इन्होंने प्रस्तुत किया था महज 9300 शब्दों का अपना बजट भाषण, सबसे छोटा जो है बजट भाषण वाई बी चौहान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निर्मला सीतारमण का बजट भाषण कितने शब्दों का था? तो फिलहाल यहाँ पे वर्ड काउंटिंग तो नहीं अवेलेबल है, लेकिन 2020 का जो बजट प्रस्तुत किया गया निर्मला सीतारमण के द्वारा वह अब तक का सबसे लंबा बजट दो घंटे 41 मिनट का सबसे लंबा भाषण कहा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्या हिंदी में भी बजट प्रस्तुत किया जाता है, बजट जो है छपता था? तो यह जो है 1956 से हिंदी में भी बजट प्रस्तुत करने किया जाने लगा। इसके पहले बजट जो है इंग्लिश में हुआ करता था। 1956 से हिंदी में बजट प्रस्तुत किया जाने लगा, यानी दोनों लैंग्वेज में आपको बजट देखने को मिलेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 1956 से। तो ये थी बजट से संबंधित 2020 और 21 में बजट जो प्रस्तुत हुआ उससे संबंधित महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चंस और एमसीक्यूज। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।